हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू असाइनमेंट गुरु। सो आज की इस वीडियो में हम इग्नू के एक इंपॉर्टेंट नोटिस के बारे में जो है बात करेंगे। वो नोटिफिकेशन जो है आपका होने वाला है टर्म एंड एग्जामिनेशन, जो कि फाइनल ईयर या फिर फाइनल सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के होंगे अगस्त के महीने में। सो उनके लिए एक जो है न्यू नोटिस आपका इग्नू ने रिलीज किया। साथ ही में उस नोटिस में इग्नू ने आपको बताया कि कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल होंगे एग्जाम से रिलेटेड, कि आप अगर अगस्त में एग्जाम नहीं दे पाते तो कब दे पाएंगे। एंड साथ ही में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंटरमीडिएट सेमेस्टर या फिर ईयर या फिर फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के जो है एग्जाम कब कंडक्ट करवाए जाएंगे, उस चीज़ के बारे में सारी डिटेल्स इन्होंने उस नोटिस के अंदर बताई है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि मैं आपको जो है सारी डिटेल्स क्लियरली बता पाऊँ। सो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले तो आपको जो है इग्नू की वेबसाइट ओपन करनी होगी। उसके बाद आप जो है यहाँ पे देखेंगे न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट्स के अंदर आपके दो नए नोटिस आए। सबसे पहले नोटिस आया है कि आपके एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट को जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। उसके बाद जो आपका सेकंड नोटिस आया है वो आया आपका कि नोटिफिकेशन रिगार्डिंग टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर फाइनल ईयर या फिर एंड सेमेस्टर स्टूडेंट टू बी हेल्ड इन अगस्त। सो आप जैसे ही इसको ओपन करेंगे सेकंड वाले नोटिस को, तो देखिए आपका जो है एक नोटिस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सो इस नोटिस को चलिए मैं आपको जूम करके जो है बताता हूँ। सो ये नोटिस जो है आपके टर्म एंड एग्जाम के रिलेटेड आपका नोटिस आया हुआ है। सबसे पहला जो है पॉइंट इस नोटिस के अंदर क्या लिखा हुआ है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आपका ये लिखा हुआ है कि आपका एग्जाम जो है 3 अगस्त से जो है कंडक्ट करवाए जाएंगे फाइनल ईयर या फिर फाइनल सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए, मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि आपके 3 तारीख से फाइनल ईयर या फिर फाइनल सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के जो है एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। सेकेंड पॉइंट हम बात कर लेते हैं कौन कौन से जो है स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे ये एग्जाम देने के लिए। उस चीज़ के लिए भी यहाँ पे जो है सारी की सारी जो है आपकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है कि कौन कौन से स्टूडेंट जो है एलिजिबल होंगे अपने ये जो आपके अगस्त में एग्जाम हो रहे हैं उन सभी के। सो उन सभी को जो है सबसे पहली चीज़ तो अपना एग्जाम फॉर्म जो है सबमिट करना कंपलसरी है, उसके बिना आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट को भी एक्सटेंड जो है कर दिया गया है। अगर अभी तक आपने एग्जाम फॉर्म सबमिट नहीं किया है एंड आप चाहते हैं अगस्त में अपना एग्जाम देना, तो उसके लिए अपना एग्जाम फॉर्म जो है जरूर से भर दीजिएगा। इसके बाद देखिए नीचे चल के आपकी जो है सारी सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है कि कौन कौन से प्रोग्राम वाले स्टूडेंट जो है अपने एग्जाम यहाँ पे दे सकते हैं। सो आप जो है यहाँ पे सारी सारी डिटेल जो है पढ़ लीजिएगा। मास्टर डिग्री प्रोग्राम की दी हुई है, बैचलर डिग्री प्रोग्राम की दी हुई है, मंथ ऑफ एडमिशन दिया हुआ है, फाइनल ईयर रजिस्ट्रेशन या फिर फाइनल सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स दी हुई है, जो भी आपके कोलेबोरेशन के प्रोग्राम्स होते हैं उन सभी की यहाँ पर डिटेल दी हुई है। नीचे जो है आपके पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट और पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम से यहाँ पर सभी लिखा हुआ है। ये टेबल आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस किस स्टूडेंट के लिए एलिजिबल है, तो उसको जो आप यहाँ पे जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, कौन कौन से एग्जाम कौन कौन से प्रोग्राम्स के जो है कोर्स कंडक्ट नहीं करवाए जाएंगे। सो उस चीज़ के लिए भी यहाँ पे डिटेल जो है लिखी हुई है, BAG, BSCG यहाँ पे देखिए, BCOM G, BSWG यहाँ पे आपके और भी जितने भी यहाँ पे प्रोग्राम लिखे हुए हैं, जो भी CBCS बेस्ड प्रोग्राम्स है आपके UG के, उन सभी के एग्जाम जो है अब भी कंडक्ट नहीं करवाए जाएंगे, ठीक है। अगस्त में कंडक्ट नहीं करवाए जाएंगे, ठीक है। तो उन सभी के एग्जाम जो है आपके दिसंबर 2021 में जो है कंडक्ट करवा जाएंगे। यहाँ पे जो है साफ साफ आपकी जो है डेट यहाँ पे मेंशन की गई है। सो आप इस थर्ड पॉइंट को जो है ध्यान से पढ़िएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। BAG, BCOM G, आपके BSCG और जितने भी यहाँ पे जो है आपके प्रोग्राम लिखे हुए हैं CBCS बेस्ड, उन सभी के एग्जाम आपके दिसंबर में जो है कंडक्ट करवाए जाएंगे। आगे चलते हैं हम फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इन्फॉर्मेशन आपके दिए हुए यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड, सो वो जो है आपको आपके रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे जो है मिलेगी कि आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम जो है कब कंडक्ट करवा जाएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पांचवें पॉइंट के बारे में, ठीक है, जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट के डाउट इस पॉइंट ने जो है क्लियर कर दिए होंगे। द टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर द स्टूडेंट ऑफ द इंटरमीडिएट ईयर या फिर सेमेस्टर ऑफ द मास्टर एंड बैचलर डिग्री प्रोग्राम स्केड्यूल इन जून 2021 हैज बीन पोस्टपोन्ड एंड विल बी हेल्ड इन दिसंबर 2021। सो दिसंबर 2021 में जो है आप सभी स्टूडेंट के एग्जाम को जो है कंडक्ट करवाया जाएगा, इंटरमीडिएट सेमेस्टर या फिर ईयर वाले स्टूडेंट का। सबसे बड़ा डाउट जो है आप सभी का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फाइनल ईयर या फिर फाइनल सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के एग्जाम जो है आपको कंडक्ट करवाए जाएंगे अगस्त में, और जो भी स्टूडेंट रह जाएंगे उन सभी के एग्जाम को जो है आपको दिसंबर 2021 में कंडक्ट करवाए जाएंगे। सो फ्रेंड्स, उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके छठे पॉइंट के बारे में। सो जो भी स्टूडेंट जो है किसी भी रीजन से अपने एग्जाम जो है जो अगस्त में आपके होने वाले हैं उसको नहीं दे पाएंगे, मान लीजिए आपके यहाँ पर कोविड की सिचुएशन खराब है, कोई भी जो है चीज़ है उसके उसके रीज़न की वजह से आप जो है अपने एग्ज़ाम अभी नहीं दे पाते हैं अगस्त में, तो उस सभी स्टूडेंट को जो है
अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी कि वो जो है एग्जाम अपने दिसंबर में जो है कंप्लीट करे। सो दिसंबर यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी स्टूडेंट एग्जाम नहीं दे पाएंगे अगस्त में, उन सभी को जो है दोबारा एग्जाम देने की अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी अपने जो है दिसंबर 2021 में जो है वो अपने एग्जाम दे सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट का मैक्सिमम जो आपका वैलिड पीरियड होता है किसी भी कोर्स के, अगर वो जून में खत्म हो रहा होगा तो उसको जो है एक्सटेंड कर दिया जाएगा दिसंबर 2021 तक। ठीक है, तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेवन्थ पॉइंट की। जिन भी स्टूडेंट ने जो है फीस पे कर दी है अपने एग्जाम के लिए जून 2021 एग्जाम फॉर्म के लिए, उस कोर्स का अगर एग्जाम नहीं होता है विच नो एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इन अगस्त या फिर सितंबर में, जो आपके एग्जाम होने वाले अगस्त में सितंबर तक वो आपके एग्जाम चलेंगे, अगर उसका एग्जाम कंडक्ट नहीं होता है तो उसकी जो है फीस को एडजस्ट कर दिया जाएगा आपके नेक्स्ट टर्म एंड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी एग्जाम आपका अगस्त से सितंबर में कंडक्ट नहीं होगा तो उसकी फीस को जो है एडजस्ट आपका कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है आपका एट्थ पॉइंट जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस चीज पे इन्होंने ऐसा बोला है कि किसी भी रीजन या फिर स्टेट में अगर आपके कोविड की सिचुएशन जो है ठीक नहीं होती है तो उसका एग्जाम को जो है पोस्टपोन किया जा सकता है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा, उसका एग्जाम जो है फिर दिसंबर 2021 में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो यही था आज के इस नोटिस में, काफी इंपॉर्टेंट नोटिस था। कुछ पॉइंट्स को जो है आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि सेकंड पॉइंट हो गया कि कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है, थर्ड पॉइंट हो गया कि आपके कौन कौन से प्रोग्राम के जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि CBCS प्रोग्राम के जो है दिसंबर 2021 में आपके एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। उसके बाद जो है आपका पांचवा पॉइंट है कि आपके इंटरमीडिएट सेमेस्टर या फिर ईयर वाले स्टूडेंट के भी एग्जाम दिसंबर 2021 में कंडक्ट करवा देंगे। सो ये सभी पॉइंट जो है आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इस नोटिस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, या फिर आप जो है इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस नोटिस को जो है चेक कर सकते हैं। साथ ही में आपके एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट को भी जो है एक्सटेंड कर दिया गया है बिना किसी लेट फीस के। अभी भी आप अगर चाहते हैं अपना एग्जाम देना तो अपने जो है 13 जुलाई तक टाइम पे अपना एग्जाम फॉर्म जो है सबमिट कर दीजिएगा।